Hello guys, welcome back to Just Reviews Official. If you're new here, hi, my name is Tisha. We make videos related to beauty, lifestyle, anything and everything that you see and do in your daily life. तो guys, आज का vlog रक्षाबंधन vlog होने वाला है, but आप सोच रहे होंगे बिना ready हुए रक्षाबंधन vlog शुरू कर दिया, तो मुझे सबसे पहले अपने बालों को ठिकाने पर लगाना है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना आजकल का जो मेरे favorite products हैं वो share कर दूं. So yeah, let's get started with the vlog and let's see what all I've got for you today. I have been loving the new range from Plum Goodness, their coconut milk and peptides, shampoo, conditioner and serum with squalene as well. It is amazing. It makes my hair super manageable, super shiny. You are going to just see, I am going to show a live example. सबसे पहले मैं अपना बहुत अच्छे से shampoo कर लेती हूँ, कितना अच्छा ये लादर होता है. Then I put this conditioner on. It's like a very nice mask. Then I just love the serum and it makes my hair super soft and shiny. And oh my god, people around me, I can see them wearing sunglasses kyunki mere baal itne acche se shine karte hain. Do make sure to check out the description box for the link and I'm going to mention the coupon code here. And isko lagate hi baal itne manageable ho jate hain, itne shiny ho jate hain. The live example is in front of you guys. I totally love this product and I totally recommend it to you all. I love Plum. So mere baal wash karne ke baad sukh chuke hain. Maine socha main aapko dikha dun kitne shiny aur smooth ye baal lag rahe hain. Without using any styling product, without straightening them, my hair looks just amazing and I'm 100% ready for Rakshabandhan now. So Rakshabandhan prep ka ek bahut bada step hota hai mehndi lagana aur main yahan pe Bittu Anshika jo mere ghar mein rehti hai unse lagwa rahi hu. She is not looking the best so main usko vlog mein nahi lungi but main aapko design dikha deti hu. So guys, this is my simple and sober mehndi. Bahut hi khoobsurat lag rahi hai. Ye raha Mr. Husband ka naam. Thank you so much Anshika, kal inka muh dikhayenge guys. रक्षाबंधन दो दिन था. 30th की रात के 9 बजे मैं अपने मॉम डैड के घर चली गई पापा को राखी बांधने और मैं यहाँ पे अपनी दीदी एंड बुआ की राखी पापा को बांधने जा रहे हूँ. एंड पापा मेरे कहते हैं क्यूट सी लग रही, रात हो गई थी तो वो ज़्यादा हैपनिंग मूड में नहीं थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स सुबह सुबह वाले हैं. बट या थैंक यू बुआ राखी भेजने के लिए. मेरी तनु बुआ और छोना बुआ ने राखी भेजी थी, थोड़ी सी मिठाई खिलाई, ज़्यादा नहीं, रात हो रही थी. बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा. वो डर रहा है. यहाँ पे बिट्टू टफी और अपने भाई को राखी बांधने जा रही है देवा को. पोपटी मेरा डर रहा है, प्यारा सा है, उसके लिए पहला रक्षाबंधन था जब उसको किसी ने राखी बांधी और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं ये लोग साथ में. कितने प्यारे लग रहे हैं गाइज, आई जस्ट कांट बिलीव दिस. मेरा टफी और पोपड़ी की तरफ से बिट्टू दीदी को चॉकलेट. ये भी चाहिए? नहीं. अब यहाँ बिट्टू मतलब हम इन्हें बिट्टू देवा कहते हैं, अंशिका आकाश के हाथ पे राखी बांधने जा रही है. ये दोनों रियल सिबलिंग्स हैं, ये इनके बड़े भाई हैं. और यहाँ पे शिकायतों का सिलसिला चल रहा है दोस्तों, बट काफ़ी अच्छा रहा. हम घर से ही इस बार रक्षाबंधन की शुरुआत करके गए थे अपने ससुराल. इतना शर्मा के रहे. सो गाइस, इट्स द सेकंड डे और हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह ससुराल. एंड पीछे ससुराल जा रहे हैं अपनी नंदों से राखी बंधवाने. सो या आई थॉट आई विल टेक यू गाइस अलोंग. सो चलिए रक्षाबंधन मनाते हैं. सो इस रोड पे गाइस व्लॉग बनाना मैंडेटरी है. ये मेरी फेवरेट रोड है ससुराल जाते समय. एकदम ऐसा लगता है कि मतलब गोवा वाली रोड तो नहीं, डियर जिंदगी वाली तो नहीं, लेकिन समथिंग लाइक दैट. दोनों तरफ आपके बराबर से पेड़ लगे हुए हैं. बहुत अच्छी फोटो आएगी अगर रोड के बीच में खड़े होंगे, बट इट्स क्वाइट अ बिजी रोड सो अनफॉर्चुनेटली वी कांट डू दैट, बट आई टोटली लव दिस. तो हम लोग अब राखी बंधवा रहे हैं अपनी बहनों से. सबसे बड़ी वाली दीदी आ नहीं पाई थी क्योंकि उनके घर पे हुई एक छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी नात थी, बट हमने आपको बहुत मिस किया कंचन दीदी. यहाँ पे हमारी मुन्नी दीदी हैं. मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि बड़ा बातों के साथ साथ हम लोग जो है हंसी मजाक के साथ रक्षाबंधन कर रहे थे.
ये है हमारी सबसे प्यारी बेबी दीदी, और पीछे से मेरी मदर इन लॉ रेडी हैं क्योंकि उनको मामा जी के घर पे जाना था। एंड बहुत ही सुंदर राखी मेरे को बंधी है इस बार। बैकग्राउंड पे यहाँ पे हम लोग घर की आवाज़ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि गाने बजा रखे थे सबने, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये पिंकी दीदी है, उसके बाद बच्चों का राखी बांधने का सिलसिला शुरू हो गया। इतने बड़े परिवार में ना पूरे दिन ऐसा लग रहा था रक्षाबंधन ही रक्षाबंधन चल रहा है हमारा। हम लोगों ने खूब अच्छा अच्छा खाना खाया, छोला पनीर पूड़ी, मतलब मैं खाना दिखाना भूल गई क्योंकि पता है जब आप इतने दिनों बाद सबसे मिलते हो ना तो बातें ही बातें होती हैं दोस्तों, बातों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी प्राइवेसी खराब हो। खबर तो बड़े में एंडिंग ही नहीं हो पाए गाइस। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। ये यादें, व्लॉग अपलोड करने का एक मकसद ये भी होता है कि यादें हमेशा हमेशा के लिए सबके पास हो जाएं और सब लोग वीडियो देख पाएं, व्लॉग देख पाएं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका रक्षाबंधन कैसा रहा, कितनी कमाई करी आप लोगों ने। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू वन एंड ऑल। बाय।